गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट टू वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट टू वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है कि √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। चलिए मैं देखता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे ये धरती के तल पर एक बांस, यहाँ पे ये आपका बांस का वृक्ष खड़ा है, ठीक है। बांस के वृक्ष का क्या कह रहा है कि √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष, अच्छा यह है √3 मीटर ऊंचा, ठीक है। इसका छाया जो है, मान लेते हैं यह छाया की लंबाई है जो कि 3 मीटर भी है, तो क्या कह रहा है, छाया के अंतिम बिंदु से, छाया के अंतिम बिंदु यहाँ हो गया, बांस के शिखर, बांस का शिखर यह हो गया, का उन्नयन कोण बताना है, यानी कि यह वाला कोण क्या होगा यह आपको बताना है, ठीक है। यही कोण आपको निकालना, इसको थीटा मान लेते हैं। तो माना माना छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। उन्नयन कोण क्या है आपके पास, थीटा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो आप टेन थीटा लगाओ क्योंकि लंब आधार की बात कर रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार। चलिए तो टेन थीटा, लंब कितना है आपके पास, तो √3 मीटर और आधार है 3 मीटर, ठीक है। इसको काट देंगे 1/√3, तो टेन थीटा बराबर 1/√3 कितना का होता है टेन में, तो टेन 30 डिग्री का होता है, तो टेन से टेन हटा दिए, थीटा बराबर में 30 डिग्री, यानी कि जो हमें कोण निकालना था वह अभीष्ट कोण क्या हो गया, अभीष्ट कोण जो था वह आपका कितना आ गया, 30 डिग्री का कोण आ गया, ठीक है। वह कोण आपका 30 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए।